देख रहे हैं ना कचरा, ये सब कचरा इंजन को नाश करता है। कहाँ से ब्रेक लगेंगे यार, देख रहे हैं ना लेदर ही खत्म हो गया सारा, देख रहे हैं ना कैसे चर चर कर रहा है। तो ऐसे में बेल्ट टूटता है, ब्रेक शू थोड़ा सा घिसा और ये डस्ट ब्रेक शू पे लग लग के पूरा ब्रेक शू का नाश कर देता है। तो कहते हैं ना पिकअप का बढ़ना, पिकअप में मजा ना आ जाए ना तो कह देना। अब ये है कि बिल्कुल सारे लाइन चालू हो गया, सर्कुलेशन मस्त होगी, गाड़ी बिल्कुल चिल्ड रहेगी, पूरा इंजन कवर हो गया। अब एक साल बाद सर्विसिंग के लिए आएगी और भी 5-10-15 मिनट में खोल काल के फेंक के जाओ जी, मजा कोई आता है भाई। क्लीनिंग में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। साथ में बैठे हैं, इनको भी दिखाओ, ये सर बैठे हैं, ठीक है। तो बस जो खींचते थे तो एक टर्बो का आवाज आता था, फर्र देनी करता था, वो कैसा है आवाज? वो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आवाज नहीं है। और सस्पेंशन में कटर पटर करती थी, वो भी बिल्कुल सही है। हमने कोई चीज सस्पेंशन में भी नहीं बदला, कोई चीज टर्बो में भी नहीं बदला। तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रगुण, नोएडा भारत से। गाड़ी है इनोवा 2015 का मॉडल है, डीजल वेरिएंट है। इसका मेजर सर्विस करेंगे, जैसे रेस लेके चलाते हैं ना तो कहीं से वैक्यूम लीक कर रहा, मतलब प्रेशर जो होता है ना टर्बो का वो लीक कर जा रहा वो है, और नीचे से खटर पटर की आवाजें हैं, उसको भी हम लोग करने वाले हैं। तो फिलहाल इसको उतारो बम्पर, पहले आवाज चेक करें। मेरे को पायदान देखा है, ये हिल रहा है, इससे क्या होता है खड़र खड़र इधर से आवाजें आएंगी। इसको भी मेरे को, ये देखो ये पाइप लूज है, मैंने ये चीज पकड़ी है, देख रहे हैं ना, ये क्लिप ही टाइट नहीं है। ये देखो क्लिप कैसे भागा फिर रहा है, देख रहे हैं ना। ये डीजल डाल लेंगे तो थोड़ा क्या होगा ना, ये मट्टी सट्टी फूल जाएंगे। तो मट्टी का सर्विस से पहले ही तो सफाई होगी, उसके बाद से सारे खोलेंगे। 1,00,000 किलोमीटर वाली सर्विस कर रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया। अभी डीजल से हमने पूरी मजा ही कर दी जितना संभव हो सका, ठीक है। और इससे क्या होगा ना, इंजन चकाचक हो जाएंगे तो वही सर्विस का जो मजा है ना वो भी हो जाएगा। बहुत कम फ्लो, ऐसा नहीं कि परपरा देना पूरा मार के। इंजन ऑयल पूरा है, इसे फ्लश करने की जरूरत है। अब की पारी हम सीवा का इंजन फ्लश यूज करने वाले हैं, सबसे बढ़िया। पुराने तेल में इसको मिक्स कर रहे हैं, ये इंजन की सफाई करता है। ये आइडल पे हमको 3-5 मिनट के लिए स्टार्ट करके रखना है, बंद कर दो। अब ग्रीन कूलेंट डाला हुआ है इसके अंदर, ठीक है। -10 से नीचे है, ये लेवल से नीचे है, कूलेंट बिल्कुल डेड है, मतलब एंटी फ्रीजिंग पॉइंट बिल्कुल खत्म है। इसका मतलब कूलेंट हमें बदलना पड़ेगा, लेकिन कूलेंट बदलने से पहले क्या करेंगे, गाड़ी 8 साल हो गई है तो हम रेडिएटर को भी क्लीन करेंगे, क्योंकि इसकी जो नाली होती है ना वो भी जाम हो गई होगी। इंटर कूलर को भी खोल के हम साफ कर देते हैं, चूंकि देख रहे हैं ना कचरा, ये सब कचरा इंजन को नाश करता है, इसे क्लीनिंग जरूरी है। कितना ज़्यादा झाले पड़े हुए हैं ये देखो, तो इसकी क्लीनिंग हो जाएगी तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। ये कूलेंट है भैया, कूलेंट निकाल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा काला पड़ गया कूलेंट और ख़राब भी हो गया। ये डिस्प्लेट भी कट गई पूरी, कहाँ से ब्रेक लगेंगे यार, देख रहे हैं ना लेदर ही ख़त्म हो गया सारा, और ये कट गया कितना, ये मेटल टू मेटल पकड़ के पूरा कट गया, देख रहे हैं ना, तो ये पूरी डेड हो गई है। हाँ, और ये लेदर ठीक है, पर एक साइड का लेदर डेड हो गया है। और लेदर डेड होने के पीछे का कारण मैं बता देता हूँ भैया, TBS ग्रिलिंग का डला हुआ है इसमें, बिना फेस कराए डिस्पैट डाल दिए होंगे, हल्का सा पकड़ किया होगा और पूरा डिस्पैट को बेकार कर दिया। तो कभी भी लेथ वर्क करा के डिस्पैट डालेंगे यदि स्थिति ख़राब है तो, स्थिति बहुत बद से बदतर है इसकी। क्लीन हो जाएंगे फिर 8 साल और चल जाएंगे बिना कोई टेंशन के। वी बेल्ट भी मुझे लग रहा है कि चेंज कराए हुए हैं ये बीच में,
गेट्स का ओरिजिनल डला हुआ है तो वी बिल्ट तो ठीक ही लग रहा है। और ये 6 साल में रबड़ के जो पार्ट्स होते हैं वो चूंकि सूख जाते हैं, तो हमको 6 साल से ज़्यादा हो गई गाड़ी, 1,00,000 किलोमीटर चल गई, मतलब वो भी क्राइटेरिया पूरा हो गया, तो हमको टाइमिंग बेल्ट भी बदलना होगा ज़रूर। बेल्ट तो हमने निकाल दी, अब कैसे जाने कि बेल्ट ख़राब है, तो इसको दबाएंगे तो चर चर करेगा, मतलब वो ख़राब है, यदि सही रहेगा तो चर चर नहीं करेगा। मतलब ये बेल्ट सूख गया है, इसकी वैलिडिटी आउट हो गई है, ये कभी भी टूट सकता है, रबड़ के पार्ट्स होते हैं ये कभी भी टूट सकते हैं। देख रहे हैं ना कैसे चर चर कर रहा है, तो ऐसे में बेल्ट टूटता है। अब इसकी क्या करते हैं, हम बहुत बढ़िया करके मजाई करते हैं, 1 नंबर क्लीनिंग। कारण क्या है कि क्लीन हो जाएगा अंदर के पार्ट्स हैं, तो टाइमिंग बेल्ट लगाने का जो मज़ा है वो भी बढ़िया रहेगा, जैसे गरारी पे जमा हुआ है। पावर स्टीयरिंग डब्बे को भी खुलवा रहे हैं क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा कचरा है, देख रहे हैं ना अंदर, तो इसको भी साफ करेंगे। चलो वाह भाई कितना काला है यार गियर ऑयल, बिल्कुल खोल दो इसको गियर ऑयल को। हाँ भाई गियर ऑयल से तो लग रहा है कि डीले हुई है गियर ऑयल, बिल्कुल ऐसे गाढ़ा हो गया बहुत ज्यादा यार। गियर ड्रम जो है वो खोल के चेक कर रहे हैं ब्रेक की क्या कहानी है, आराम से बस बिल्कुल काय को ब्रेक लग रहे हैं, लेदर तो पूरा खत्म ही हो गया, बखेड़ लो इसे भी। इसकी बात करूं तो ये भी बहुत ज्यादा कट गया है, देखो देख रहे ना ये ड्रम पे पूरा कट गया, तो इसका भी लेथ वर्क कराना पड़ेगा जरूर, और इसे बदलना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, इसकी करते हैं बढ़िया से मजाई। कारण क्या है कि डस्ट बहुत ही ज़्यादा मोटा डस्ट है, देख रहे नहीं, तो ये डस्ट ही तो ख़राब करते हैं ब्रेक शू को, कहते हैं कि यार ब्रेक शू ख़राब हो गया, ब्रेक शू थोड़ा सा घिसा और ये डस्ट ब्रेक शू पे लग लग के पूरा ब्रेक शू का नाश कर देता है। जैसे ये देखो मोटा डस्ट यहाँ निकला, तो इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से क्लीन करते हैं 1 नंबर का। ये डीजल फिल्टर है और डीजल फिल्टर को भी हम बदल देते हैं मेजर सर्विस में, और इतना सारा आइटम हमने बखेड़ लिए, ये मेजर सर्विस में अब लगेगा तो गाड़ी में मजा आएगा। एक एक पार्ट को जितने भी पार्ट दिख रहे हैं ना सारे धोने पड़ेंगे बहुत बढ़िया करके, तो पहले तो साफ सफाई बढ़िया करके कर ली अच्छे से। अब नया ब्रेक शू यूज करेंगे इसमें, एक TVS ग्रिलिंग का देख सकते हैं टोयोटा लिखा हुआ है ना। अब इसके एडजस्टर को बढ़िया करके धो लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गंद पना है, देख रहे हैं ना कितना ज्यादा स्प्रिंग में भी। राइट साइड का हमने फिट कर दिए, अब लेफ्ट साइड का फिट करेंगे। ड्रम को जो है ना लेथ वर्क करा दिए हैं, देख सकते हैं इधर भी, अब नया चूंकि ब्रेक शू डाल रहे हैं तो इस पर लेथ वर्क करा देंगे तो मजा आ जाएगा। अभी थोड़ा सा एक बार भी बजाऊंगा मैं लेथ वर्क कराने के बाद। आगे के फ्रंट डिस्क को भी लेथ वर्क करा दिया और एक डिस्क रूटर को नया डाल दिया, कारण क्या है कि पूरी तरीके से वो डेड हो गया था, दोनों एक बराबर रहने चाहिए, जैसे इसमें एक पतला हो गया तो ये नहीं चलेंगे, ब्रेक में मजा नहीं आएगा, इसके लिए हमें एक बदल दिया और दूसरे को लेथ वर्क करा दिया बहुत बढ़िया करके। डिस्क प्लेट हमने फिट कर दी, न्यू डिस्प्ले डाल रहे हैं टोयोटा का ये वाला, ठीक है ना, ये तो नया डिस्प्ले डल जाएगा ना तो ब्रेकों की जो पकड़ होगी बहुत अच्छी हो जाएगी, देख रहे नहीं, क्लीनिंग थोड़ी सी ये होता है, क्लीनिंग हो जाती है ना तो थोड़ा सा ये लगता है यार कि हाँ सर्विस वर्विस हुई है बढ़िया सा करके, है कि नहीं है। अब क्लीनिंग हो गए ना तो फिर पता ही नहीं पड़ता ना, देख रहे ना बड़ा मजा ही किया है अंदर, ये देखो मैनिफोल्ड के अंदर तो ये सारा चीज़ अच्छे से क्लीनिंग किया है। अब हमने बैरिंग को भी खोल दिया, अब लगाते हैं, तो टोयोटा का ये माल लेके आए हैं बैरिंग, ठीक है ये कंप्लीट मिल गया है मेरे को बैरिंग बढ़िया। दूसरा टोयोटा का बेल्ट लेके आया हमने, ठीक है ओरिजिनल कोशिश किया कि मिल जाए भाई, और ओरिजिनल ही मिल गया बेल्ट मुझे, मज़ा आ गया भाई, हटाओ। तो टोयोटा का ओरिजिनल माल इसमें डलने जा रहा है। टाइमिंग बेल्ट हमने लगा दिया, मार्का टू मार्का, ये देखो एरो का मार्का देख रहे हो ना, एरो का मार्का, गरारी का मार्का और बेल्ट का मार्का बिल्कुल 0-0 ये मिला दी, ठीक है जी। टोयोटा इधर लिख के आ गया और ये वाला मार्का भी लगे, हाँ देख ही लो भाई, किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, देख रहे हो ना ये, तो ये वाला भी मार्का हमने मार्का टू मार्का बेल्ट से मिला दी। ये हो गई हमारी क्या हो गई टाइमिंग,
हमने एडजस्टर लगा दिए न्यू, टाइमिंग से हमारी हो गई क्या कहानी 0-0। अभी हमने बेल्ट को लगा दिया, अब इस कवर को बढ़िया से अच्छे से जो कहते हैं ना एक नंबर की क्लीनिंग अंदर से, वो बेहतरीन क्लीनिंग करके तब इसको हम क्या करेंगे, बोल्ट अंदर से हमने चेक कर लिया दोबारा से बिल्कुल बेहतरीन, अब इसको फिट कर देंगे टक। तो ये भैया कूलेंट बोतल है और अंदर से पड़ गया पूरा काला, देख रहे ना ये मेन चीज है, कालापन देख रहे ना पूरा कितना कालापन पड़ा हुआ है। तो भैया अंदर से आपने अभी देखे थे, हमने अंदर से बिल्कुल चकाचक, चारों तरफ से देख लो अंदर से बिल्कुल चकाचक कर दी। अब डब्बा देख लो भाई साहब, बिल्कुल क्लियर मामला है, बिल्कुल देख रहे ना विजन, ये होती है देख रहे हो ना, ये देखो भाई साहब कूलेंट भी डालेंगे ना जिधर से डालेंगे उधर ही से दिखेगा, नहीं तो काला पड़ गया था यहाँ बीच में। रेडिएटर को पूरा खुलवा के ऊपर वाला पूरी नाली में ऐसे लाइनिंग से वो मार के पत्ती मार के और तब क्लीनिंग करिए, डस्ट सारे निकल गया। इसमें बता रहे थे कि आधे से ज्यादा तो चौक थे, समझो आधे ही सर्कुलेशन सिस्टम पे गाड़ी चल रही थी, यानी कितना गाड़ी को तकलीफ होती होगी यार, कितना झेलता होगा गर्मी को यार। अब ये है कि बिल्कुल सारे लाइन चालू हो गया, सर्कुलेशन मस्त होगी, गाड़ी बिल्कुल चिल्ड रहेगी, बिल्कुल इंजन फर्स्ट क्लास, तो ये मजा काट दिया। बस पूरा इंजन कवर हो गया क्योंकि रेडिएटर हमने एक नंबर करवा दी। कंडेंसर का क्या, पास में आओ, पास में दिखाओ यहाँ से बहुत बारीकी से, पूरे कंडेंसर में जगह जगह आप देखो गौर करो यहाँ, ये देखो। अब आप ऐसे सोचो कि हम इस चीज़ को इग्नोर करें तो भाई गाड़ी वाले को क्या पता पड़ेगा कि हमने सर्विस किया कि नहीं किया, कि क्या किया इस गाड़ी के साथ में, है कि नहीं है। देख रहे हो नालियाँ कैसे चौक हो गई, कीड़े हैं ये, तो कीड़े नहीं उड़ते फतिंगे, वो फतिंगे सारे फंस गए हैं, ये देखो। अब आप ऐसे अंदाजा लगाओ, तो पूरी ये रेडिएटर जो है ना एसी कंडेंसर, इसको पहले क्लीन करना पड़ेगा, ब्लोअर से पहले मार के इससे बाहर निकालता हूं। हैं? बात यह है कि हम हैं नए दुकान पे, यहाँ थोड़ा शांति मिलता है, काम कर लेते हैं। पुराने दुकान पे इतने ज़्यादा भीड़ लगती है, इतना ज़्यादा ग्राहक आते हैं ना कि वहाँ तो भैया वर्दी भी पहनने का टाइम नहीं मिलता है, खाली दिन भर गाड़ी चेक करते रह जाते हैं। हम भी तरसते हैं काम करने के लिए, तो मजबूरी है, तो मेरे को क्या है दो 12:30 के बाद भैया गाड़ी चेक करना बंद, घुसना पड़ता काम में। हाँ भाई ये हो गया, चमक गया, अब इसको ले लो, ये बात है, इसको अंदर कर लो, ले आओ भाई रेडिएटर लेके आओ फटाफट। चलो भाई चलो आराम से जाने दो। बस ये हमारा रेडिएटर हो गया बिल्कुल फिट। तो चूंकि डेंसो का ऑयल फिल्टर, डेंसो का फ्यूल फिल्टर, डेंसो का एयर फिल्टर, ये तीनों डेंसो का ही डालने वाला है, टोयोटा में भी डेंसो ही निकलता है, कई बार डेंसो की कंपनी को हायर किया हुआ रहता है। ऑयल फिल्टर के रिंग पे हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि रिंग सिकुड़े ना, टाइट करने में बहुत आसानी से टाइट हो जाए, और वो जो एरिया हमने साफ करके रखा हुआ है वहाँ लगा देंगे हमने ऑयल फिल्टर। ठीक है जी, ये लग गया हमारा ऑयल फिल्टर, ये पुराना निकला है ना डेंसो, देख रहे हैं ना डेंसो का ये डीजल काला काला निकल रहा है, देख रहे हैं ना, गिरा तभी मेरे को डाउट हुआ कि यार कालापन क्यों है, और ये कालापन देख रहे ना फिल्टर काला पड़ गया, तो ये इंजेक्टरों को नाश करता है, इसलिए इसको बदलना बहुत ज़रूरी है, इंजेक्टर ऐसे नाश होते हैं। नया रिंग, बस जा भाई, यस बिल्कुल 0-0 माल, ये बात है, ये देख रहे हो मार के इसके आमने सामने हो गया, मतलब सही टाइट हो गया। बस अब हवा निकालना पड़ेगा, डीजल फिल्टर इधर से लगा दिया हमने न्यू, ठीक है, रेडिएटर लगा दी, इंटरकूलर को भी बढ़िया से देख रहे ना सारे पाइपलाइन सब सफाई करके ये कस दी। हाँ इधर से दिखाओ पहले ड्रेन हो रहा है, वो देखो ठीक है, वो ड्रेन हो रहा है, ये क्या ड्रेन हो रहा था भाई, ब्रेक ऑयल, क्या समझे, अब नया ब्रेक ऑयल डालते हैं, थोड़ा सा आराम आराम से जाता है ब्रेक ऑयल, ठीक है
8 साल तो वैसे भी हो गया ये, तो ब्रेक ऑयल को बदल देना चाहिए। पावर स्टेयरिंग ऑयल, ये हम डाल रहे हैं वैक्स पोल, ठीक है। आज कई दिनों बाद सील तोड़ रहा हूँ यार, 2 महीने बाद, क्योंकि मैं चला गया था गांव और वहां भाई काफी टाइम लग गया। तो भाई अब कूलेंट डालते हैं। अब कूलेंट कौन सा डालेंगे, फॉक्स वैगन का दिखाओ, फॉक्स वैगन कंपनी का पिंक कलर का कूलेंट, क्योंकि इसमें पिंक कलर का कूलेंट डलेगा तो हम ओरिजिनल कूलेंट, ये हाईलाइन कारों में डलता है कूलेंट, ध्यान करना है, हल्के में मत लेना, 393 रुपए प्रिंट रेट है। पास में आओ, सीलिंग बड़ी तगड़ी होती है इनकी, ये देखो सील होती है। हाँ कौन, कूलेंट दिखाओ इधर, कौन, एक सेकंड जरा एक डाल लूं पहले, और एक बार टेस्टर भी ले आना, आज टेस्ट भी करेंगे, देखेंगे कितना ही जा रहा कूलेंट, ऐसे ऐसे फटेगा भाई। एक कौन है भाई, हाँ कूलेंट से मतलब हमें ओरिजिनल कूलेंट से, चाहे पिंक कलर हो या सिंक कलर हो, है कि नहीं है। ये देखो सील पैक दिखाओ, धोखाधड़ी वाला कोई काम नहीं भाई, इधर देख रहे हो नहीं, देख रहे हो नहीं, तीसरा है डब्बा, ये नहीं है तीसरा डब्बा है, रहन दो इसी से डाल देंगे, ऐसे करके 4 डब्बा डालेंगे, जितना आएगा उतना डाल देंगे, ठीक है। एक मिनट लेट कर देते हो खोलने में भाई, है कि नहीं। पहले इधर दिखाओ कलर, देखो जरा ऐसा ना कोई वो हो, समझे है कि नहीं, चेक करते हैं कितना है इसका, अबे तेरी यार इसका तो बहुत हाई जा रहा है यार, दिखाओ जरा इधर आओ, चलो पास में करो, रिकॉर्ड हो रही है। देखो नए का और पुराना कितना था, बिल्कुल नीचे वाला लेवल में था भाई, लास्ट लकीर पे था, ये नया वाला है, छोड़ो ये ऊपर उठ जाओ। अब भाई बताओ ये कूलेंट यदि गलती से डल गया गाड़ी के अंदर, मजा काटेगा नहीं काटेगा, ठीक है। भाई 4th डब्बा है, वहां दिखाओ लेवल पे दिखाओ, हाँ कूलेंट अभी वेट करते हैं थोड़ा सा। अब समझो कितना तगड़ा एंटी फ्रीजिंग है भाई, अभी गाड़ी में लगने को और तगड़ा रिस्पॉन्स करता है। भैया कैस्ट्रोल का टर्बो मैक्स डाल रहे हैं 15W40, ठीक है 15W40 टर्बो मैक्स डाल रहे हैं इसमें, सिंथेटिक है, सिंथेटिक टेक्नोलॉजी है। आ जा भाई, सील्ड है कि नहीं है, ये सील्ड है भाई, ये देखो बस टक, ऐ शावर चंबर ने टाइट है, ऐ शावर मजा आ गया भाई, बाप बिल्कुल प्योर तेल है, इंजन में डालते इंजन की जो है लॉन्ग लाइफ डबल हो जाएगी। भाई क्लीनिंग में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ, कारण क्या है, सर्विसिंग में क्लीनिंग ही मेन होती है, यदि क्लीनिंग ढंग से नहीं हुई फिर मज़ा नहीं आता सर्विसिंग में, कोई फायदा नहीं होता है सर्विसिंग का, है कि नहीं है। तो क्लीनिंग हो जाए मस्त, मज़ा आ जाए, बस इस चीज़ का मेरे को करना है, ध्यान रखना है बस। भाई माल डेंसो है कि नहीं है, डेंसो का इसमें डलेगा एयर फिल्टर, डेंसो देख लो नीचे लिखा हुआ, टोयोटा में भी डेंसो ही रहता है, तो चूंकि डेंसो का पर्सनल है, अब ये रहा मजा आ गया, न्यू एयर फिल्टर है, सर्विस जब गाड़ी कर दूंगा कैसा मजा आएगा यार, है कि नहीं, ठीक है। अंदर से
जितना हो सके क्लीनिंग बिल्कुल फोकस रहे क्लीनिंग पे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लीनिंग पे ध्यान ही मत दो। अब मेन चीज है सेंसर, देखो मास एयर फ्लो सेंसर यहाँ खोल दिया मैंने, सेंसर को क्लीनिंग करेंगे अच्छे से। दिखाओ जी इधर, इसके एलिमेंट जो है ना चूंकि बहुत ज्यादा डस्टी हो जाते हैं, वो देखो डस्ट डस्ट देख रहे हो ना, दिख रहा है डस्ट हो रहा देखो, और भाई सिग्नल भी जो है ना पिकअप भी बढ़ जाएगा इससे। तो कहते हैं ना पिकअप का बढ़ना, पिकअप में मजा ना आ जाए ना तो कह देना, ऐसी चीजें हैं। बस तो भैया सेल का जो है ये हम गियर ऑयल डालने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। इधर दिखाओ सील, दिखाओगे सील भी तो जरूरी है भाई, सील दिखाओ, मेन सील है, हल्के में ले रहा है तू? हाँ भाई कैमरा मैन भाई हल्के में ले रहे हो, मेन सील है इसका। चलो नीचे देखो, बहुत बढ़िया, ये देखो भाई प्योर माल भाई, मजा ना आए ना तो कह देना। ये धीरे धीरे चुकी जाएगा, ठीक है जी, और बहुत ही गजब का मामला। ये डिफरेंशियल ऑयल है, ठीक है, इसको भी बदल देते हैं लगे हाथ, क्योंकि मेजर सर्विस हो रही है भाई, अभी 1,00,000 किलोमीटर पे नंबर आएगा। तो भाई डिफरेंशियल ऑयल में हम मोटूल का डालते हैं इसमें, ठीक है जी, देख रहे हैं ना ये पैकिंग, तो ये हम इसको डाल देते हैं क्या। हाँ आराम आराम से जाने दो, मोटूल का अच्छा है गियर ऑयल है, डिफरेंशियल ऑयल है, भी गियर ऑयल डिफरेंशियल ऑयल चूंकि एक ही होता है। गियर ऑयल को डाल दी हमने, डिफरेंशियल ऑयल भी डाल दी, बैटरी वाटर चेक कर रहे हैं, बैटरी को टेस्ट करना जरूरी है। शाबाश बखेड़ लो पूरा, अरे शाबाश बखेरो बखेरो, हाँ ये बात है, सारे नट को खोल लो और एक वाइपर पाउच दे दो मेरे को। तो बैटरी वाटर तो भाई है पूरा, ठीक है जी, और बैटरी भी ठीक है, और यहाँ इंडिकेशन भी यदि हम देख रहे हैं तो ग्रीन कलर का है, यानी कि बैटरी है ओके। अरे है फट जा भाई फट जा भाई, ये डाल देते हैं वाइपर के टंकी में, और एक थैली डाल दिया ना गलती से, और पानी लिया के याद हो डालो, पानी डाल दिया। तो ये क्या है, स्क्रीन वाश वाला है कॉन्सेंट्रेट, क्रिस्टल क्लियर विजिबिलिटी, और वाइपर में मज़ा काटेगा, बैटरी टाइट कर रहे हैं, पानी डाल देते हैं। अब पानी कौन सा है, आरओ का है, समरसेबिल का है, थका हुआ नल का है, कैसा है? आरओ का है, आरओ के पानी से क्या होगा कि अंदर जाम नहीं होगा लाइनें। मारो चलो स्टार्ट, पावर स्टीयरिंग ऑयल लेके आओ जल्दी से, दौड़ के जाओ। पहले हॉर्न बजाओ, पहले हॉर्न वाइपर उठाओ, हॉर्न बजाओ जरा, देखो हॉर्न बज रहा है क्या, हॉर्न नहीं बज रहा है, हॉर्न ठीक करना पड़ेगा। करो वाइपर पानी, पहले पानी चलाओ, चलो पी लेके आओ जरा, एक एक काम ही नहीं कर रहा है। अरे क्या हाल है यार, अरे आज का वीडियो बंद हुए थे, हॉर्न रिपेयरिंग करने में ही रात हो गई, अभी हॉर्न को सेट कर दिए, ठीक है जी, हॉर्न बजाओ। ये बात है, धुआं निकाल रही है, धुआं निकाल रही है, अरे क्या बात है। हेडलाइट जलाओ, हेडलाइट बंद करो, पार्किंग बस ठीक है, चारों पीछे की लाइट देखो दोनों जल रही है कि नहीं, हाँ या ना में जवाब, साबस हेडलाइट, चलो डीपर मारो, छोड़ो डीपर मारो, छोड़ो चारों इंडिकेटर,
बहुत बढ़िया, शायद एक इंडिकेटर इधर का नहीं चल रहा है। चलो इसे फटाफट पकड़ लो, रिपेयर करो। चलो हाई करो, हाई। चलो ये कुछ फंस रहा है ब्लोअर में, खोलो जरा ब्लोअर को। ए ब्लोअर खोलो, तो भाई ये पत्ता, ये है एसी फिल्टर, हम इसको नया यूज कर रहे हैं, सेटल कंपनी का लगा रहे हैं। वो पत्ते हमने निकाल दिए हैं, अब इसको एसी फिल्टर को लगा देते हैं। चलो भाई उतारो, चढ़ाओ, हल्की सी टाइट है, इसको ग्रीसिंग करो जरा। तो ये वाला बल्ब लगा के देख लिया, बल्ब का इशू नहीं है, कुछ वायरिंग का इशू है इसके अंदर। ऑन करो, जल गया ना, टाइम लगा काफी, नाइट हो गई है, कुछ नाइट में इंजन का कंडीशन देख लो। इंजन बहुत चमकाया यार। खोलो खोलो, छोड़ो, भाई रोड टेस्ट कर रहे हैं, खराब रोड पे, बैड रोड पे आवाज सुनने की कोशिश कर रहे हैं, बुरा आवाज तो नहीं है। अरे तेरी यार कितनी, लेकिन पता है क्या है, अभी आवाज नहीं आ रहा कोई भी, कारण पहले कटर पटर की पूरी आवाज आ रही थी, और हमारे को कस्टमर ने पूरी आजादी भी दे रखी थी कि आप सस्पेंशन भी कर लीजिए, क्योंकि सस्पेंशन में बहुत आवाज है। लेकिन हमने देखा, यहां नोट करना, हमने देखा भाई कि खाली जो है एक पायदान जो नहीं होता है उसका आवाज था, पायदान हमने निकाल दिया, आवाज सारा बंद हो गया। अब क्या है ना, पायदान की जो पत्ती है वो निकालने के लिए देखिए ग्रैंडर ले रखा है मैंने, अभी वो खुल नहीं रहा है, तो मैं आवाज तो बंद हो गया, लेकिन अब उस पत्ती को काटना पड़ेगा, ठीक है, पायदान निकालने से सारा आवाज खत्म हो गया, नहीं तो किसी ने बताया था कि सस्पेंशन का पूरा काम होगा। आ खटर पटर कर भी रहा था, जिसने भी बताया सही बताया, गलत तो नहीं बताया, पर हम पत्ती को और निकाल देंगे, बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी। तो भाई गाड़ी की अभी करा रहे हैं हम ड्राई क्लीन, ठीक है जी, क्या कहते हो, ये गाड़ी की ड्राई क्लीन हो रही है, इधर देखना ये पूरा चकाचक। तो तुमने किए हैं ड्राई क्लीन? हाँ भाई हम किए हैं। गाड़ी में मजा आ गया? हाँ मजा आ गया। कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं। किसी तरह का कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना। अच्छा चलो, ये देखो छत वत सारा एक अच्छा बटन है वो, तो फिर ड्राई क्लीन बढ़िया हो गई भाई, ठीक है, क्योंकि गाड़ी की सर्विसिंग हो जाए, ड्राई क्लीन ना हो तो फिर बेकार ही है ना, ये गत्ते वत्ते सारे मजे आ जाए। भाई गाड़ी चला लिया, फिरा लिया, बहुत बढ़िया हो गई गाड़ी। सबसे पहले ब्रेकिंग बहुत जबरदस्त हो गई, और एक आवाज आ रहा था जो टर्बो का प्रेशर लीक कर रहा था, वो सिर्फ क्लिप लूज था, तो वो कर दिए, प्रेशर बिल्डअप हो गया, इतना बढ़िया पिकअप ले रही है जो स्मूथ जा रही है। ब्रेकिंग देखिए कितनी अच्छी ब्रेकिंग, अभी हार्ड ब्रेकिंग नहीं कर रहा हूँ, स्लो स्मूथ ब्रेकिंग, हार्ड इसलिए नहीं कर रहा हूँ, नया है, हार्ड कर देंगे तो डिस्क जो है ना हार्ड हो जाते हैं, लेकिन स्लो स्मूथ ब्रेकिंग भी बहुत जोर है, पिकअप पंजा दबाने की दे रही है भाई, खुल के भाग रही है गाड़ी। अच्छा ये गाड़ी खड़ी कर रखी थी क्या आपने? कम चलती है भैया, कम चलती है ना, लेकिन हमने भी हर एक पॉइंट को टेस्ट किया, ये भी बात है, मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि चार पांच दिन खड़ी रहती है। अच्छा अच्छा, रोज नहीं निकलती। ठीक ठीक ठीक, आवाज आवाज बिल्कुल साइलेंट हो गया, खाली एक उसका फुटरेस्ट की दिक्कत थी आवाज की, और कोई दिक्कत नहीं था, सस्पेंशन बिल्कुल ओके थे, हमने सारे चेक किए थे, एक एक बाल जॉइंट एंड वेंट सब बढ़िया था, बहुत टॉप, बाकी सब कुछ बहुत तरीके से सर्विस किया, मतलब कि 1,00,000 किलोमीटर तक अब जाके ऐसी सर्विस की नौबत आएगी, मैंने पूरी मेजर टाइमिंग बेल्ट वेल्ट सब, टेंशन नहीं है,
अब क्या है नॉर्मल सर्विस कराए जाओ, 10-10 हजार रूपए बस चलती रहे, 10 हजार पे करा ले। हाँ हाँ, अब नॉर्मल सर्विस कराते रहेंगे ना तो बिल्कुल अपसेट रही। अब मेजर की जरूरत नहीं है ना, मेजर तो हमने कर दिया, ब्रेकें कर दी, टाइमिंग बेल्ट कर दी, अब बची कहाँ रहा है। तो अभी गाड़ी फाइनल हो गई सारी, चला फिरा के लाया, टेस्ट वेस्ट कर लिया, धुलवा दिया, अंदर से ड्राई क्लीन भी करवा ली, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं दिखा पाया। कारण क्या था कि अभी तो भाई आए हैं A to Z कार सर्विस वाले, भी बताए मैंने, साथ में बैठे हैं, इनको भी दिखाओ, ये सर बैठे हैं, ठीक है। तो बस हमारा दिल करता है कि कितना बात करें, जानते ही हैं एक दूसरे से मिलने में, तो बस इसलिए काफी चीजें नहीं दिखा पाए। अभी गाड़ी सर ने भी चलाई है, सर जी एक तो जो खेसते थे तो एक टर्बो का आवाज आता था, फर्र देनी करता था, वो कैसा है आवाज? वो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आवाज नहीं है। और सस्पेंशन में कटर पटर करती थी, वो भी बिल्कुल सही है, हमने कोई चीज सस्पेंशन में भी नहीं बदला, कोई चीज टर्बो में भी नहीं बदला। वो ऐसी प्रॉब्लम थी ना कि उसके पीछे 70 हजार रुपए लग जाता, पूरा टर्बो बदली जाता, नॉर्मली कोई भी करता ही करता नहीं। वो ना क्या होता था, ज्यादा आरपीएम पे जैसे 100 से ऊपर जाती थी हाईवे पे, तो इतनी गंदी आवाज आती थी उसकी, जो एयर वेंट होता है उसमें बहुत गंदी आवाज आती थी, बिल्कुल भी नहीं आ रही। कारण क्या है, सिर्फ एक क्लिप लूज था, और उसके पीछे बहुत सारा लोग फिल्म भी बना देता है, खाली एक इंटरकूलर का क्लिप लूज था, बस पूरा ऑयल काला काला पड़ा हुआ था। इसका मतलब मैं समझ गया कि बहुत पहले से लीकेज था, कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही वो कोई पकड़ पाता, ऐसी जगह से लीकेज था, खाली एक क्लिप लूज थी, हमने क्लिप टाइट किया, 1 रुपए नहीं लगा और आवाज साइलेंट हो गया। और गाड़ी चलाया आपने, बहरहाल कैसा लगा? बढ़िया भैया, बिल्कुल गाड़ी स्मूथ हो गई, मतलब अब एक्सेलेटर दबाते ही गाड़ी बिल्कुल बहुत बढ़िया पिकअप हो गया। मतलब पहले खिंचती थी गाड़ी, 40 से ऊपर जाती है, ऐसा लगता था कि गाड़ी को बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, लेकिन अब बिल्कुल स्मूथ हो गई, बिल्कुल मजा आ गया गाड़ी चला के। और सस्पेंशन में से कोई आवाज? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल हमारी नहीं हो गई गाड़ी, नहीं कर दी आपने। तो ये सर है, कस्टमर है इनका, इनोवा है ये, एक कौन सा मॉडल था ये? ये 2015 मॉडल, 15 मॉडल क्रेस्टा से, एक पुराना वाला। ठीक 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 ठीक, गाड़ी इसमें हमने टर्बो का इंजन ऑयल डाला है, कैस्ट्रोल, अच्छा CRB टर्बो, बहुत अच्छा डीजल इंजन के लिए है। और इससे आपने इंजन का साउंड देखा कितना महत्व है, बिल्कुल मतलब साइलेंट, पता ही नहीं चल रहा, वरना पहले अलग से पता लगता था कि हाँ कोई आवाज है गाड़ी में, अब बिल्कुल नहीं लग रही है। अब इसीलिए वो इंजन ऑयल खासकर जो SUV के लिए सब इंजन ऑयल काम करता है बढ़िया, 5-30 भी इसमें डलता है, 5-40 भी इसमें डलता है, लेकिन चूंकि जो 1 लाख क्रॉस कर जाते हैं इंजन, और वो इंजन जो ज्यादा खड़े रहते हैं, कम चलते हैं, 2015 से लेकर 20 तक में कम से कम 2 लाख चलना चाहिए इनोवा को, लेकिन अभी 1 लाख चली है कि 8 साल में, हाँ कम चला है। तो कम चलने के लिए हमको क्या करना, थोड़ा इंजनों में देखना पड़ता है कि क्या चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो इसके लिए हमने 15W40 का टर्बो वाला इंजन ऑयल डाला, बहुत स्मूथ हो गया इंजन डालने से। तो ठीक है सर, आपने इतना फीडबैक दिया, बिल्कुल आपका वेलकम, आपने हमारी गाड़ी बढ़िया कर दी, थैंक यू सर। तो ठीक है, ओके, थैंक यू यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत सारा चीज नहीं दिखा पाया यार वीडियो में, काम तो बहुत किए हैं लेकिन दिखा कम पाए हैं, है कि नहीं है, काम क्या है काफी, दिखाने जाएगा तो 2 दिन लग जाएगा। अरे बहुत काफी काम तो दिखाए ना, अभी बेल्डिंग से कटिंग कराए, सस्पेंशन के जो चेचिस के बोल्ट है, पायदान खोले नहीं दिखाए हमने, बहुत सारा चीज जो ग्रीसिंग चारों तरफ की नहीं दिखाया हमने, ड्राई क्लीनिंग का एक झलक दिखाई थी, है कि नहीं, बहुत सारा चीज हो जाता है। तो ठीक है, ओके, थैंक यू यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी भाई लोगों को दोबारा से और दिल से हर बार की तरह राम राम।